स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस एसएम और सीआईएसएफ एसएम और एडब्ल्यूटीपीओ के एक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग कवर करोगे जीवों की वर्गीकरण के महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ आप लोग उसके फैक्टर्स भी जानोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रिपरेशंस में काफ़ी इजाफा हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जीवों की वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है किसी न किसी उद्देश्य से किया गया है। ये इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए जीवों का वर्गीकरण नहीं किया गया? क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, जीवों की शारीरिक संरचना उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीवों को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन जानना बेहद आवश्यक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैरोलस लिनियस को। फ्रेंड्स, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी यानी 1758 में इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण को व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। फ्रेंड्स, जीवों के वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनामकरण पद्धति के आधार पर किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आ जाइए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है, यानी जीवों का जो कि वर्गीकरण किया गया है उस आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी कौन सी इकाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन, जाति। फ्रेंड्स, आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण को आरोही क्रम में जो कि दर्शाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, व्हिटेकर था। साथियों, पांच जगत प्रणाली जो कि प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक व्हिटेकर है। फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बता दें, जीव जगत में वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई हैं। क्या दो जगत प्रणाली कैरोलस लिनियस ने दिया था, तीन जगत प्रणाली हेकल ने दिया था, चार जगत प्रणाली कोपरलैंड ने दिया था, पांच जगत प्रणाली आरएच व्हिटेकर ने दिया था? फ्रेंड्स, कुल मिलाकर आपका चार जो कि जगत प्रणालियां जो कि दिया गया था। तो आप लोग अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, वर्गीकी कहलाती है। फ्रेंड्स, जीवों यानी जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा टैक्सोनॉमी कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए डी ऑप्शन, कवक। फ्रेंड्स, जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा माइक्रो
प्लॉज मुनेरा जगत में शामिल हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस इनमें से नहीं, फ्रेंड्स इसमें इनमें से किसी नहीं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विषाणु वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोष्ठकीय यानी नॉन सेलुलर संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन्स कण हैं, जिसमें जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? वायरस में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवे नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। फ्रेंड्स, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, केंद्रक युक्त। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक एक कोशिकीय जीव है यानी यूनिसेलुलर जीव है। फ्रेंड्स, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, जीवाणुओं के कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषम पोषी यानी हेटरोट्रॉफी होते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। फ्रेंड्स, अब तक जितने भी जीवाणु खोजी गई हैं, सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन माइकोप्लाज्म। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, माइकोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है, कवकों के विषय में असत्य कथन है, बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। साथियों, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह जो कि गलत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कवक यानी फंजाई एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रकला पाई जाती है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, कवकों का प्रयोग किया जाता है यानी फंजाई का प्रयोग किया जाता है उपर्युक्त सभी में राइट आंसर डी ऑप्शन है। साथियों, आपको बता दें, कवकों का विशेष आर्थिक महत्व इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों में किया जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, क्वेश्चन है, पादप जगत में वर्ग है। फ्रेंड्स, पादप जगत में, इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी वर्ग पाए जाते हैं पादप जगत में। थैलोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये सभी पाए जाते हैं। साथियों, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है और वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषी होते हैं पादप जगत में शामिल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन स्फेगनम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है यानी फाइला है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। फ्रेंड्स, एल्गी है, मतलब शैवाल का अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। फ्रेंड्स, 18वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाशटाक एवं एनाबीना। साथियों, नाशटाक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में विभाजित हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों, संकॉर्डेटा। साथियों, आपको बता दें, संकॉर्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड
दंड व उपस्थित के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशंस कंप्लीट हुआ। आपको सेशंस कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि समस्त दोस्तों को बेनिफिट हो सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर इसी तरह आपको अपडेट मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड, थैंक यू।